1,07,500 नौकरी देने का जो दावा किया गया सरकार की तरफ से महोदय, उसमें न सिर्फ बिहार के लेकिन बिहार के बाहर के लोगों को भी मौका दिया गया, उनको चयनित किया गया और उनको नौकरी मिली, उसमें से बिहार के सिर्फ 8 दिव्यांग ही बहाल हो सके। उसमें जो लोग पूर्व से नियोजित शिक्षक थे उन लोग की बहाली नियुक्तियां की गई। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासियों को दिया जा रहा है, उसके बारे में समय पर रखिएगा। इस संबंध में CWJC संख्या 3270/2/224 इफ्तेशाम शाहीन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/4/24 को ये प्रश्न जनहित का है। जनहित का प्रश्न नहीं सुनना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, जनता के हित की चिंता नहीं है आपको। पारित आदेश के आलोक में विभाग के स्तर से आदेश पारित है। क्या चाहते हैं, सदन नहीं चले, जिससे ये स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसे दृष्टांत आते हैं तो हमारे पास लाएं, हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद बाबू। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, ये तो अदालत का निर्णय है जो 1/4/24 को आया, लेकिन इसके पहले जो हजारों लोग इस प्रकार के बिहार के निवासी जो वंचित हो गए नौकरी पाने से, उनके संबंध में सरकार का क्या विचार है? अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह के कोई भी दृष्टांत आपके अगर अभ्यावेदन देंगे तो उन पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे, लेकिन हमारे संज्ञान में सभी ऐसे मामलों को देखा गया है। अगर मामले कोई आते हैं और किसी के अर्थात सही है तो उस पर हम निर्णय लेंगे। महोदय, मैं आपके संज्ञान में ला करके सरकार को देना चाहता हूँ। सरकार ने 1,07,500 बहालियां की, जो दूसरी बहाली थी उसमें सिर्फ 30,000 बिहारी, 40,000 जो बाहर के दूसरे प्रदेश के थे वो लोग, और 37,500 वो लोग थे जो पहले से नौकरी में थे महोदय, और ये 1,07,500 नौकरी देने का जो दावा किया गया सरकार की तरफ से महोदय, मैं उसके तरफ माननीय मंत्री महोदय आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उस संबंध में क्या होगा महोदय, दूसरी बात एक और सुन लिया जाए आपके माध्यम से, मैं कहना चाहता हूँ दिव्यांगों के संबंध में महोदय, मैं 25/5/2024 का जो प्रभात खबर है उसमें ऑथेंटिक ये सूचना है कि 43 अभ्यर्थियों का जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको चयनित किया गया और उनको नौकरी मिली, उसमें से बिहार के सिर्फ 8 दिव्यांग ही बहाल हो सके महोदय, उनका क्या होगा? बैठ जाइए मंडल बाबू। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, जो निर्णय लिया गया था कैबिनेट के द्वारा कि जो भी इसमें परीक्षा में शून्यकाल के समय जो कमीशन के उत्तर के बाद दो तरह की परीक्षाएं हुई, जो कमीशन के द्वारा परीक्षा हुई उसमें न सिर्फ बिहार के लेकिन बिहार के बाहर के लोगों को भी मौका दिया गया, और दूसरी जो परीक्षा थी वो सक्षमता परीक्षा थी, उसमें जो लोग पूर्व से नियोजित शिक्षक थे उन लोग की बहाली नियुक्तियां की गई, और अगर इस तरह इसलिए उस तरह से पारदर्शिता भी रखी गई उसमें, और अगर बाहर के कोई दिव्यांग क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें नौकरी देना हमारी अनिवार्यता थी। अगर कोई मामले अगर माननीय सदस्य हमारे संज्ञान में लाएंगे, अगर कोई छूट गए हैं तो आप निश्चित रूप से हम उस पर ध्यान देंगे। बच्चे स्कूल के बच्चे देख रहे हैं और आपके दल के बारे में भी समझ रहे हैं। आप अपने स्थान पे चले जाइए, अपने स्थान पे जाके बैठिए।
महोदय मत पीटिए महोदय मैं जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री संसदीय कार्य कुछ करना क्या सरकार बिहार के बैठिए अध्यक्ष महोदय अगर माननीय सदस्यगण अपने आसन पर जाकर